गुड मॉर्निंग एवरीवन, एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भाई एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके निकल के आ रही है, ठीक है। जो स्टूडेंट आपके पीवीएफटी के स्टूडेंट्स हैं और जो डाहेड के स्टूडेंट्स हैं, दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे दोनों एस्पिरेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है। उस अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पे ये पता होगा कि आपके एडमिट कार्ड फाइनली यहाँ पे रिलीज कर दिए गए हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले ये बता दूं टाइम क्यों लगा है आपका एडमिट कार्ड आने में। देखो आपका जो है यहाँ पे जो एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड है, ये आपका अभी RHEO का एग्जाम चल रहा था, ठीक है। RHEO RAEO का एग्जाम चल रहा था, इसी वजह से थोड़ा सा इसमें आपका एडमिट कार्ड को रिलीज करने में थोड़ा सा टाइम लगा है। बट फाइनली इन्होंने आपका जो है रात के 7-8 बजे के आसपास अप्रोक्स में इन्होंने आपके एडमिट कार्ड को फाइनली रिलीज कर दिया था। सबसे पहले इम्पोर्टेंट अपडेट क्या है ये आपको बता देता हूँ। देखो एग्जाम शेड्यूल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपडेट में क्या लिखा हुआ है। सबसे बड़ा मेजर चेंजेस यहाँ पे ये हुआ है कि आपका जो प्री वेटरनरियन फिजिक्स का टेस्ट था, आप यहाँ पे डेट देख सकते हो। यहाँ पे एग्जाम डेट में क्या लिखा हुआ है, आपका 28 जुलाई को एग्जाम है और आपका यहाँ पे 27 जुलाई को एग्जाम है। अच्छा, मतलब दोनों की आपकी एग्जाम डेट यहाँ पे सेम रखी हुई थी। आप ऑलरेडी रूल बुक में सबसे पहले चेक करोगे यहाँ पे क्या देखना है, रूल बुक आप डाउनलोड करोगे आपकी फिजिक्स की। देखो इसमें इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है, परीक्षा आपका इन्होंने लिखा हुआ है दिनांक 25 को आपका एग्जाम था, ठीक है। लेकिन ये आपका जो है अभी RHEO के एग्जाम की वजह से थोड़ा सा इसको डिले कर दिया गया है। 25 को एग्जाम था बट इन्होंने अब इसको बढ़ा के 28 कर दिया है। आप देखो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट पूरी आपको कंप्लीट जानकारी इनके रूल बुक में देखने को मिल जाएगी। देखो आपके जो डाहेड का एग्जाम उसकी भी रूल बुक आप एक बार चेकआउट कर लो, उसमें भी इन्होंने लिखा हुआ है 25 को दोनों का एग्जाम था बट अभी इन्होंने चेंजेस कर दिया गया। आप देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जो डाहेड की रूल बुक है उसमें 25/7/2023 को आपका एग्जाम था बट इन्होंने आपका रूल बुक पूरी तरीके से यहाँ पे इन्होंने पूरे तरीके से आपके एग्जाम डेट को यहाँ पे चेंज कर दिया गया। आप देखो रूल बुक में दोबारा से आप एग्जाम शेड्यूल पे क्लिक करके देखोगे तो आपका जो है पीवीएफटी का 28 जुलाई को है और आपका जो डाहेड का एग्जाम है डिप्लोमा का वो आपको 27 जुलाई को है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे आपका डिग्री का फॉर्म डाला हुआ है और यहाँ पे डिप्लोमा का फॉर्म डाला हुआ है। दोनों स्टूडेंट यहाँ पे अलग अलग दिन में एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछे थे कि भैया दोनों का एग्जाम तो एक ही दिन है, मैं कैसे यहाँ पे एग्जाम्स में बैठूंगा, तो आप देख लो यहाँ पे, ठीक है, आपकी और यहाँ पे डेट को इंक्रीज कर दिया गया है। सबसे पहले एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है ये तो आपको बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। तो एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट करोगे तो आपको यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे टेस्ट एडमिट कार्ड पर, तो बस यहाँ पे आपको ये जानकारी को एक बार यहाँ पे रीड कर लेना है और सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, आपका एप्लीकेशन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। उसके बाद जस्ट आपका कुछ इस टाइप से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो ये आपका इस टाइप से एप्लीकेशन इस टाइप से आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ये फाइनली एडमिट कार्ड नहीं है, ठीक है, इसमें आपकी आपके ओनली एग्जाम सिटी को मेंशन किया गया है, अभी एग्जाम सेंटर को इसमें मेंशन नहीं किया गया है। तो एग्जाम सेंटर आपके एग्जाम की जैसे कि आपका एग्जाम 28 को है तो यहाँ पे ये मान के चला 25-26 के आसपास आपके यहाँ पे सेंटर अलॉटमेंट किए जाएंगे, ठीक है। एग्जाम के 2-3 दिन पहले ये आपके जो है एग्जाम के सेंटर अलॉटमेंट किए जाते हैं। तो फाइनल ये आपका फाइनल एडमिट कार्ड नहीं है, उसका वेट करो, ठीक है, और प्रिपरेशन पे ध्यान दो। फिलहाल में जितने भी आपके टॉपिक हैं उनको कंप्लीट कर लो। जनवीएफटी के स्टूडेंट्स हैं उनको खास तौर से यहाँ पे बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी से क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो बायोलॉजी पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और डाहेड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको केमिस्ट्री पर थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, केमिस्ट्री, क्योंकि आपके अच्छे क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के। बाकी आप देख लो एक ये स्टूडेंट का आपका एडमिट कार्ड है, इसमें देख सकते हो आपको उसका जबलपुर सेंटर आपका अलॉट हुआ है। 10-12 की शिफ्ट में उसका एग्जाम है, 27 तारीख को, ये डिप्लोमा का है, ठीक है। ऐसी सेम आप अपने पीवीएफटी का भी जो है डाउनलोड कर सकते हो, प्री वेटरनरी फिजिक्स टेस्ट का, दोनों का बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मेजर चेंजेस था, तो ये आप यहाँ पे गुड न्यूज देख लो भाई कंप्लीट। आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा था कि भैया क्या करूंगा, मैंने फॉर्म डाला हुआ है, तो ये आपके लिए यहाँ पे एक रिलीफ दिया हुआ है, ठीक है। आपका यहाँ पे डेट को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है, 2-3 दिन का आपको और थोड़ा सा टाइम मिल गया है, तो देख लो भाई, है ना। मेरे हिसाब से आप एक बार जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं, जैसे ओल्ड क्वेश्चंस पेपर है आपके पीवीएफटी के, उनको आप एक बार यहाँ पे लगा सकते हो ओल्ड क्वेश्चंस पेपर को। जैसे आपका जो प्री वेटरनरी फिशरीज का पेपर है 2019 का और डाहेड का पेपर है, इसको एक बार जरूर यहाँ पे लगा लेना क्वेश्चंस को, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट होते रहते हैं आपके, डाहेड का हो या पीवीएफटी का हो। 2017-18 का पेपर है, इसको एक बार चेकआउट कर लेना, आपको सारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको पेपर को एक बार डाउनलोड करना है, प्री वेटरनरी फिशरीज के टेस्ट को, ठीक है, सब कुछ आपको इसमें अवेलेबल है, एक बार चेकआउट कर लेना, क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट होते हैं, तो पेपर को यहाँ पे लगा के जाना। बाकी आपने देख लिया एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है और
ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जरूर ऐड हो जाना, क्योंकि वहां पे सारी अपडेट्स मैं यहाँ पे प्रॉपर टाइम बाय टाइम डेली अपडेट्स में डालता रहता हूँ, तो वहां पे जरूर ऐड हो जाना, लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आपको कोई भी डाउट आता है तो इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे से पर्सनली यहाँ पे इंटरेक्ट हो सकते हो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर वीडियो से आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।